गाइज, आजकल बहुत से लोगों को कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और ये सब होता है डाइजेशन सिस्टम के खराब होने की वजह से। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय हैं। आपको क्या करना है, आपको गुड़ के साथ चने को खाना है। गुड़ और चने का ये कॉम्बिनेशन फाइबर से भरपूर होता है जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको कीवी फ्रूट खाना चाहिए। कीवी फ्रूट में विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। क्या आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो सुबह उठते ही ये पांच काम जरूर करें। नंबर वन, सुबह उठते ही सबसे पहले आधा लीटर पानी पिएं, क्योंकि खाली पेट पानी पीने से मेटाबॉलिज्म यानी कि पाचन को दुरुस्त रखने में मदद मिलती है। नंबर टू, खाली पेट 6 से 10 बादाम और अखरोट जरूर खाएं, इससे एंजाइम बनते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायक होते हैं। नंबर थ्री, हमेशा थोड़ा भारी ब्रेकफास्ट करें, इससे आपको दोपहर के खाने तक ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। आपका ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भरपूर हो। नंबर फोर, बादाम और अखरोट ऊर्जा के भंडार हैं। यदि आप रोजाना बादाम और अखरोट नहीं खा पाते तो दिन में थोड़ी थोड़ी मूंगफली भी खा सकते हैं। एंड नंबर फाइव, सुबह उठकर चाहे 10 मिनट के लिए ही सही मेडिटेशन जरूर करें, इससे आपके विचार संतुलित हो जाएंगे और आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गाइज, हेल यानी कि नरक के बारे में हम आज तक कहानियों में ही पढ़ते या सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने सच में एक हेल प्लेनेट खोज निकाला है? जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। क्या है इस प्लेनेट का नाम और इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो इस प्लेनेट का ऑफिशियल नाम है K2141b। ये हमारे प्लेनेट से 200 लाइट ईयर दूर है और ये अर्थ से थोड़ा सा बड़ा है। अब इसे हेल प्लेनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों की और आग की बारिश होती है और यहाँ पर समंदर में पानी नहीं है बल्कि समंदर लावा से बने हैं। यही वजह है इसे नर्क का ग्रह कहने की। गाइज, ये तो आपने सुना ही होगा कि दुनिया की 4% जनता के पास उतना पैसा है जितना कि 96% जनता के पास भी नहीं है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि 96% लोग काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं और वो तो काम भी इसीलिए करते हैं ताकि एक्सपेंसिव चीजों को खरीद सकें, जैसे कि एक्सपेंसिव मोबाइल, एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव घड़ियां, जिनकी कीमत समय के साथ साथ घटते रहती है। और एक्सपेंसिव चीजें खरीदने की लत की वजह से उनको और ज्यादा काम करना पड़ता है, जबकि 4% लोग काम का स्ट्रेस तो लेते हैं लेकिन उस काम के बदले वो असेट इकट्ठे करते हैं जिनकी वैल्यू फ्यूचर के साथ साथ बढ़ती रहती है और उसी असेट की वजह से उनके काम का बोझ भी कम होने लगता है। गाइस, यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। आपको ये वजह जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। रिलेटिविटी के हिसाब से एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल फोर्स की खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश तो क्या कोई भी चीज नहीं बच सकती अगर उसकी सीमा में आ जाए तो। उससे भी मजे की बात यह है कि कोई भी चीज उसमें गिर तो सकती है लेकिन वापस कभी नहीं आ सकती। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप कभी ब्लैक होल में गिर गए तो आप इस पूरे यूनिवर्स की बिगनिंग और एंडिंग दोनों देख पाओगे। गाइज, ये अमेजिंग साइंस का फैक्ट आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कब खूब बारिश हो रही थी तो वहां पर एक स्ट्रीट डॉग एक हुंडई शोरूम के गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शोरूम के मैनेजर ने उस डॉग को देखा, उसे कुछ खाने को दिया। धीरे धीरे वो डॉग डेली आने लगा और डेली वो मैनेजर उसे कुछ खाने को देता। इस तरह से डॉग और मैनेजर में एक बॉन्डिंग सी हो गई थी। जल्दी शोरूम के एम्प्लॉइज भी उस डॉग को काफी ज्यादा पसंद करने लगे और इस तरह से शोरूम ने बकायदा उस डॉग को ऑफिशियली गोद ले लिया और फिर बाद में उस डॉग को शोरूम में सेल्समैन बना दिया और तो और उसे एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया और अब वो हर नए कस्टमर को वेलकम करता है और एक सेल्समैन की तरह वहां पर काम करता है। आगे चलकर इसी डॉग को सेल्समैन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। गाइस, इस डॉग का नाम है टक्सन प्राइम, जिसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है और उस पे 1,74,000 फॉलोवर्स हैं। गाइस, आपको टक्सन प्राइम की ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। जहां एक और बराक ओबामा ने अपने पॉलिटिकल करियर से 55 की उम्र में ही संन्यास ले लिया था, वहीं ट्रंप ने अपना पॉलिटिकल करियर 70 की उम्र में आकर शुरू किया था। जहां एक और वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, वहीं कोलोनल सैंडर्स ने 65 की उम्र में आकर अपना बिजनेस शुरू किया था। जहां एक और स्टीव जॉब्स ने अपने पहले ही वेंचर या प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल कर ली थी, वहीं जेफ बेजोस ने अमेजॉन से पहले बहुत बार फेलियर का सामना किया था। मतलब यह है कि आपका भी समय आने वाला है, जरा धीरे रख के इंतजार करिए। यहां पर कोई आगे या पीछे नहीं है, हर कोई अपनी ही रेस में दौड़ रहा है।
तो रिलैक्स रहिए और अपने समय का इंतजार करिए। लेकिन हाँ, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसका मजाक भी मत उड़ाइए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।